वो रोजगार दे किसे रही है? हम सब यहाँ बेरोजगार फिर रहे, दिल्ली में फिर रहे, आज दिल्ली हर जगह जा रहे हैं। बोलते हैं अधिकारी लोग कि रेलवे हमको चलाना है, न कि तुमको चलाना है। तो ये बोल रहे हैं कि हमने आपका कर्जा खाया है कि जो आपको नौकरी, राष्ट्र युवा नहीं बनाना चाहता, हिंदू राष्ट्र करना चाहती है सरकार। हम लोग मुसलमान हिंदू सब मिलकर भाईचारे की तरह रहते हैं। क्या हमारे देश के आजादी मुसलमान लोग नहीं थे? जो हमारी वैकेंसी थी वो टारगेट करके कम कर दी, और जो हायर मेडिकल वाली वैकेंसी थी जो ऑलरेडी ज्यादा थी उनको बढ़ा दिया गया। ऐसा किसी भी भर्ती प्रक्रिया में हुआ है आपको लगता है? नहीं हुआ है ना। जो लड़के जैसे एप्लीकेशन वगैरह ज्यादा लगाते हैं उनको ट्रेस कर लिया है, और उनके पास वो उधर से फोन करते हैं, धमकी भरी बातें करते हैं, जाके कंप्लेंट। हम लोग हर कोशिश कर चुके हैं, गाली तो भगवान को भी देते हैं मैम, तो भगवान क्या कर दें। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां यहां पर मेरे पीछे देख पा रहे होंगे सभी युवा खड़े हैं, और ये सभी रेलवे के युवा हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तमाम खबरें आती हैं कि रेलवे में वैकेंसी नहीं है, तो रेलवे में ये गड़बड़ी हो गई, पेपर लीक हो गया, और इस तरीके के हमेशा खबरें आती रहती है। आज ये युवा सड़क पर उतर आए हैं और सरकार से कुछ मांगों के साथ यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग जो है रेलवे ग्रुप डी 2019 के कैंडिडेट हैं। हमने 2019 में रेलवे में फार्म भरा था, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ फार्म गए थे, जिसमें से 1 लाख वैकेंसी था, तो उसमें 1 लाख का चयन होना था, जिसमें 1 लाख वैकेंसी थी उसमें से लगभग 80% जो है हायर मेडिकल की वैकेंसी थी, और 20% जो है लोअर मेडिकल की थी। लोअर मेडिकल का मतलब होता है B2 और C1 मेडिकल, हायर मेडिकल का मतलब होता है A2 मेडिकल, A3 मेडिकल और B1 मेडिकल। लेकिन क्या किया इन लोगों ने, जैसे हायर मेडिकल की ऑलरेडी 80% वैकेंसी थी 1 लाख में से, और 20% लोअर मेडिकल की थी, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, 2019 में तो उतनी थी, लेकिन 2023 में जब हमारा ज्वाइनिंग होने वाला था, टेस्ट पास हो गया, फिजिकल हो गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, और हम लोग 1:1 की मेरिट लिस्ट में भी आ गए, यानी केवल ज्वाइनिंग होना था, तब इन लोगों ने क्या किया, जो 1 लाख में से जो 20% लोअर मेडिकल की वैकेंसी थी उनको घटा दिया, 20,000 को 10,000 ही कर दिया, और जो हायर मेडिकल की जो ऑलरेडी 80,000 थी उनको बढ़ा के 90 कर दिया गया, यानी हमारी वैकेंसी ऑलरेडी कम थी उनको भी कम कर दिया गया। अब जो 10% वैकेंसी बची थी वो भी हमारे लिए पूरी नहीं दी गई हैं, उसमें से भी जो 10,000 वैकेंसी हैं उसमें से लगभग केवल 2,000 लड़कों को लिया गया है, बाकी 8,000 जो सीटें हैं हमारी वो हायर मेडिकल को दे दी। तो बिना भर्ती के वैकेंसी कम कैसे हो गई? बिना भर्ती के वैकेंसी कम नहीं हुई, इन्होंने एक नोटिस निकाला, रेलवे के जैसे 17 जोन हैं तो हर जोन का अपना अपना एक अलग अलग नोटिस निकला, और नोटिस का नाम था रिवाइज्ड वैकेंसी, और रिवाइज्ड वैकेंसी में क्या किया, जो हमारी वैकेंसी थी वो टारगेट करके कम कर दी, और जो हायर मेडिकल वाली वैकेंसी थी जो ऑलरेडी ज़्यादा थी उनको बढ़ा दिया गया, और जो हमारी 10% बची थी उसमें से भी लगभग 8,000 उनको दे दी, यानी केवल 2,000 लड़कों को जॉब मिली है लोअर मेडिकल वालों की। और ऑल आपने इस पर सवाल नहीं उठाया? हमने इसमें सवाल उठाया था, जैसे हम लोग अपनी अपनी डिफरेंस RRB RRC जहाँ पर हमने फॉर्म अप्लाई किया था वहाँ पर गए तो सब लोगों को अलग अलग रीजन बताया गया। जैसे मैं WR से हूँ, वेस्टर्न रेलवे से, तो मैं वहाँ पर गया तो मैंने पूछा कि सर क्या रीज़न है, हमको क्यों नहीं लिया गया, तो हमको वहाँ से जवाब मिला कि आपका 1 नंबर ज़्यादा है, आपको इसलिए नहीं लिया गया। मैम, क्या ऐसा कहीं होता है कि 1 नंबर ज़्यादा की वजह से चयन नहीं हुआ? ऐसा किसी भी भर्ती प्रक्रिया में हुआ है आपको लगता है? नहीं हुआ है ना। आपने पूछा नहीं उनसे कि ये कौन सी मतलब क्या है, ये नंबर ज़्यादा होने से कब सिलेक्शन का जाता है? हाँ, हमने पूछा था कि सर 1 नंबर ज़्यादा होने से क्या हो गया, जैसे किसी लड़के को बोला कि तुम्हारा 3 नंबर ज़्यादा है, तो हम लोग वहाँ अप्लीकेशन लगाए, हमने पूछा कि 1 नंबर या 2 नंबर ज़्यादा होने से क्या हो गया, तो उन लोगों ने, अधिकारी लोगों ने हमें जवाब दिया कि 2 नंबर जैसे आपके ज़्यादा हो गए ना, तो आप कैटेगरी के जो बच्चे थे ना उन सबको पार करके आप जनरल में चले गए, और जैसे ही आप जनरल में चले गए आपका आरक्षण लाभ खत्म हो गया और आपको हमने बाहर कर दिया, लेकिन जो कम नंबर वाले थे उनको हमने सेलेक्ट कर लिया। आपने पूछा क्यों नहीं कि ये सारी चीज़ें आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी एग्ज़ाम देने से पहले? एग्ज़ाम देने से पहले तो कॉमन नोटिफिकेशन आया था 17 रेलवे का, लेकिन अब जो है आपने तब सवाल खड़ा किया कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप अभी दे रहे हो पहले क्यों नहीं बताया? पहले तो ऐसा उसमें कुछ नहीं बताया गया, हम आप फ़ोन करते हैं,
तो बोलते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और वहाँ से फोन आते हैं हमारे तरफ, जो आरआरसी आरआरबी है उन्होंने हमारे जो मोबाइल नंबर हैं, जो लड़के जैसे एप्लीकेशन वगैरह ज़्यादा लगाते हैं उनको ट्रेस कर लिया है, और उनके पास वो उधर से फ़ोन करते हैं, धमकी भरी बातें करते हैं कि हमने तुम्हारा पुलिस थाने में वो रिपोर्ट करने वाले कौन होते हैं, कौन वो अधिकारी लोग हमको करते हैं और बोलते हैं कि आपके खिलाफ हमने जो है शिकायत कर दी है, आप जो है इस तरीके से ज़्यादा बोल रहे हैं हमसे, जवाब तुम सवाल पूछने वाले होते कौन हो, हम जो करेंगे जो रूल है हम वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो रूल संभव नहीं है ना। कि जैसे कहना सिंपल सी है कि बोलते हैं अधिकारी लोग कि रेलवे हमको चलाना है न कि तुमको चलाना है, रेलवे कैसे चलाई जाती है हमको पता है, तो हमको जिसकी सीट की ज़रूरत है, हमको पॉइंट्स मैन ट्रैक मेंटेनेंस जिसकी ज़रूरत है हम उसको लेंगे, हमको नॉन सेफ्टी मतलब जो लोअर मेडिकल रहते जैसे कि वो हॉस्पिटल हॉस्पिटल हो इसमें हो गए रिस्टोर में हो गए वर्कशॉप में हो गए इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं लेंगे, बोल रहे हैं कि पूरी दादागिरी चल रही है। ये हुआ मैम, जब आपको नहीं लेना था तो आप वैकेंसी क्यों निकाले, आप वैकेंसी क्यों निकाले, उस समय नहीं निकाले तो हम फॉर्म नहीं डालते, अब पूरी प्रोसेस होने के बाद तो हम लोग को लेना चाहिए, तो ये लोग कह रहे हैं रेलवे हमको चलानी है, हमको पता है किसको लेना है, तुमको नहीं चलानी है, दादागिरी है मैम एकदम। तो आप लोगों ने इस पर सवाल उठाए कि इस तरीके से अधिकारी जो बोलेंगे, आपने उचले स्तर पे जाके कंप्लेंट की, हर कोशिश कर चुके हैं ऊपर से ऊपर तक, यहाँ तक रेलवे के जो सबसे हाईएस्ट होते हैं रेल मंत्री के नीचे उनसे भी बात हो गई, लेकिन यही निकलती है कि हम लोग जानते कैसे करना है, समय लगेगा कितना लगेगा पता नहीं है, हम लोग कितना समय तक वेट करें, 10 साल 15 साल, हमने जो किया है वो रूल के हिसाब से किया है, दरअसल वो रूल के हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमने जो किया है रूल के हिसाब से किया है, तुमको जो करना है वो करो, तुम्हें छुट्टी है, जो करना है तुम करो। रेल मंत्रालय में तो ये बोल रहे हैं कि हमने आपका कर्जा खाया है कि जो आपको नौकरी दे हम नहीं देंगे, जाओ नहीं उठाया, सरकार ने बोला है हर साल 2 करोड़ रोजगार देने, कहां सवाल उठाए, आप ही लोग से उठाते हैं, लेकिन आप लोग से उठेगा फिर कहां तक जाएगा, मीडिया है वो तो कवरेज करता ही नहीं है मैम। मैडम अब आप बोलेंगे, हम उनसे बोलते हैं कि आप कवरेज करिए, तो वो लोग बोलते हैं कि हमें अलाउ नहीं है, मीडिया को किसको किससे परमिशन लेने का ज़रूरत है, वो तो चतुर्थ स्तंभ होता है ना, स्वतंत्र होता है, लेकिन वो लोग जैसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया पूछा कि किस कौन अलाउ करता है आपको कौन नहीं अलाउ करता है, ये तो नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने हमको बोला था, जैसे मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उनसे हमने बात किया था, पहले भी हमने 3-4 बार यहाँ पर धरना कर चुके हैं, तो हमने कहा कि हमको कवरेज कीजिए, हमारी बात को सरकार तक पहुँचाइए, तो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले बोलते हैं कि हमको अलाउ नहीं है तो हम आपका कवरेज नहीं कर सकते। मोस्टली ज्यादातर मीडिया वाले यही कहते हैं, कोई कवरेज, हाँ यहाँ पर जितने बड़ी मीडिया है वो सब यही कहती है, कोई कवरेज नहीं करता हमको। एक बार तो मैं आपको बताऊं, मैंने रेल मंत्री को रोक लिया था वहाँ पर अपनी बात रखने के लिए, और उन्होंने मेरी मतलब रुके, और सारी मीडिया वहाँ खड़ी थी, एक ने भी कवरेज नहीं दिखाया, किसी ने नहीं दिखाया कि किसी परेशान युवक ने मंत्री से अपनी बात कही, कहीं नहीं, वो काट दिया, बस ये स्थिति है इस देश की। जी आप कुछ कह रहे थे। जी मैडम, ये सरकार इस ये रोजगार मेलों के नाम पर आज बता रही है 4,33,000 ने इन्होंने रोजगार दे दिया, और इनका टारगेट है 10 लाख का, लेकिन वो रोजगार दे किसे रही है, हम सब यहाँ बेरोजगार फिर रहे हैं, दिल्ली में फिर रहे हैं, आज दिल्ली हर जगह जा रहे हैं बेरोजगार, उनके साथ कुछ नहीं करे, उनकी एक ही नीति है, एक मैं बात कहना चाहूँगा कि सर पर उधारी है और उसके जिम्मेदार भी हैं हमें, हर चीज़ आज निजी है, केवल यहाँ पर सरकारी केवल सरकार है, इतना ही कहना चाहूंगा। युवा जो है वो जागरूक हो रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है। हिंदू राष्ट्र युवा नहीं बनाना चाहता, हिंदू राष्ट्र करना चाहती है सरकार, सरकार है जो हिंदू और मुसलमानों में बांट रही है, और बेरोजगारों की तो एक ही, इनका धर्म स्टूडेंट है, इनका जो जाति स्टूडेंट है, और इनके सब कुछ देखा जाए तो स्टूडेंट है, ये केवल और केवल अपने लिए लड़ते हैं, और सरकार है जो कि इनमें बांटने की कोशिश कर रही है, और सरकार ही है जो कि इनके मतलब हर धर्म कास्ट अलग अलग कर, जो कि राजस्थान में देख लो, यूपी में देख लो, हर जगह दिखा जाए तो हम कास्ट का अलग अलग शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, ये शक्ति प्रदर्शन करके क्या दिखाना चाहते हैं सरकार, जिसमें कह रहे हैं कि हम अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, अलग अलग वोट अलग अलग बटे हुए हैं, एक मतलब पूरी चीज को युवाओं को राजनीति की तरह लेकर चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि युवा जो है युवाओं को जागरूक होना है और हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है, आप यहाँ पर जंतर मंतर सरकार से सवाल, हिंदू राष्ट्र घोषित करके क्या उखाड़ लेंगे, सबको रोजगार मिल जाएगी, नहीं मिले, और हम लोग तो खुद चाहते हैं, यहाँ हम लोग मुसलमान हिंदू सब मिलकर भाईचारे की तरह रहते हैं, क्या हमारे देश के आज़ादी में मुसलमान लोग नहीं थे,
ऐसा तो था नहीं, गांधी जी मुसलमानों को एक साथ लेके चलना चाहते थे, अच्छी बात भी थी। इस समय भी हमारे गाली, गांधी जी को लोग गाली देते हैं, पसंद नहीं करते। गाली तो भगवान को भी देते हैं मैम, तो भगवान क्या कर दें। गांधी को तो सब लोग गाली देते, लेकिन गांधी के आदर्श को समझते नहीं है कि नहीं उनके आदर्श क्या थे। और सब लोग मिल के यहाँ रहने रहते हैं, एक हिंदू एक मुसलमान क्रिश्चन सब लोग मिल के रहने। लेकिन ये जो सरकारें आई हैं हमारी, हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जैसे कह सकती हैं, ये पूरे दिमाग में मेंटेलिटी क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे गांव स्तर पर देखकर ये लोगों के दिमाग से खेल रहे हैं। मतलब वहाँ बांटना चाह रहा है कि हिंदू मुसलमान भर दो, और जबकि हम खुद ही बनारस के हैं, हम बनारस में मुसलमान के साथ ही मतलब हमारे पार्टनर सब रहते हैं, सब एकदम म्यूचुअली रहते हैं, कोई में किसी का भेदभाव नहीं था। लेकिन ये सरकार लोगों के भावनाओं से खेल रही है, सरकार ने बांट दिया, सरकार ही बांट रही है मैम, और कोई नहीं बांट रहा है। और आप अगर देखेंगी तो एक हिंदू मुसलमान आपस में मिल के ही रहते हैं, लेकिन वहाँ सरकार अपना दिमाग लगा के सबको में फूट डाल रही है और कुछ नहीं कर रही है। और हम लोग स्टूडेंट हैं मैम, हम लोग को धर्म से क्या मतलब, धर्म में हमारे सब हैं, हम लोग स्टूडेंट में हिंदू मुसलमान इसमें धर्म हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग को स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, हम अपने हक के लिए तो हक के लिए लड़ेंगे। तो साफ तौर पर ये भी युवा ही हैं, ये भी देश के युवा हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, और स्टूडेंट है, स्टूडेंट का साफ तौर पर माना जाता है कि पढ़ाई ही उसका पहला धर्म है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि धर्म की राजनीति से और हिंदू राष्ट्र बना देने से ना पेट नहीं भरता, रोजगार से पेट भरता है। तो सरकार को जो है धर्म की राजनीति छोड़कर हिंदू राष्ट्र बनाने से ध्यान हटाकर थोड़ा सा बेरोजगारी और युवाओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो युवा जो आज सड़क पर हैं वो किसी दफ्तर और ऑफिस में जाकर काम करें और देश का विकास करें। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।